अधर्म कर के कमाया अर्थ, मानो व्यर्थ जाना है। अधर्म कर के कमाया अर्थ, मानो व्यर्थ जाना है। मुकद्दर में लिखाया जो मिला उतना खजाना है। मुकद्दर में लिखाया जो मिला उतना खजाना है। विजेता विश्व बन कर ही सिकंदर कह गया इतना। विजेता विश्व बन कर भी सिकंदर कह गया इतना। मुसाफिर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। मुसाफिर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे वृद्ध संधि, यड़ संधि तथा आयास संधि की। आप लोग साथ बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के दो पाठ करा दिए थे, दीर्घ संधि करा दी थी और आपको करा दी थी हमने गुण संधि करा दी थी। आज हम बात करेंगे वृद्ध संधि, यड़ संधि तथा आयास संधि की। तो देखिए वृद्ध संधि देखो क्या है, स्वर संधि का तीसरा पाठ आपका ये है वृद्ध संधि। तो इसमें क्या है कि आपस में मिलकर आ के बाद देखो क्या मिलता है, आ प्लस क्या होता है ए आए, हमेशा क्या बन जाता है आए, और क्या होता है आ प्लस क्या होता है ओ आओ, तो हमेशा क्या बन जाता है आओ बन जाता है। ठीक, इतना ही समझना है। आ के बाद ए आए तो दोनों मिल आए हो जाए, आ के बाद ओ आए तो दोनों मिल आओ हो जाए। चाहो तो कर्ता के रूप में भी लिख सकते हैं इसे, क्या आ के बाद ए आए तो दोनों मिल आए हो जाए, आ के बाद ओ आए तब तो दोनों मिल आओ हो जाए, तो आए हो जाता है और क्या हो जाता है आओ हो जाता है। अब देख लीजिए कंडीशन चार बनती है। मान लीजिए आ के बाद ए वाली कंडीशन देख लो, छोटे अ के बाद अगर ए आ जाता है तो जो संधि के बाद रूप बनेगा आपका वो आय बन जाएगा। ऐसे ही छोटे अ के बाद अगर क्या आता है आय आता है, जो रूप बनेगा तो वो क्या बन जाएगा आय बन जाएगा। ऐसे ही बन जाएगा आपका बड़े आ के बाद अगर ए आता है तो रूप क्या बन जाएगा आय, और बड़े आ के बाद अगर ए आता है तब भी रूप क्या बन जाएगा। ये बात किसकी है, आ के बाद जब ए आता है तो आय आ जाता है। ये बात अभी वृद्ध संधि चल रही है आपकी, क्या चल रही है वृद्ध संधि की बात चल रही है। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये बनेगी, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, तो चार कंडीशन बन रही है। और चार कंडीशनों में आप एग्जाम्पल देख लीजिए उसके कैसे बनते हैं। तो आ के बाद जब ए आता है तो उसका क्या हो जाता है आय हो जाता है। तो हम पहले ए वाला देखते हैं, हमने कहा लोग, हमने कह दिया लोग, लोग धन क्या कर दें हम एसना कह दें, क्या कह दिया मैंने एसना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं स्वर संधि पढ़ रहे हैं, और स्वर संधि का पाठ क्या है आपका ये वृद्ध संधि वाला। तो देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ष, छोटा आ निकला इसका निकला ए, स्वर संधि दोनों स्वर निकल आए, हमने क्या किया दोनों में संधि की। तो नियम के अनुसार ये है कि अ के बाद ए आ गया, अ के बाद क्या आ गया ए आ गया, संधि करोगे तो क्या बन जाएगा आय बन जाएगा। तो नियम क्या होता है कि जो रूप बनता है उसकी मात्रा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे जाती है। तो हमने देख लिया ये प्रथम शब्द लिख लिया, देखो लोक लिख लिया, उसका क्या है का अंतिम वर्ण है। अब संधि के बाद जो रूप बना आय बना, आय की मात्रा कितनी होती है दो होती है, कह सकते हैं वृद्ध में एक मात्रा क्या हो जाती है वृद्ध हो जाती है, किसी भी तरीके से आपस में मिले लेकिन मात्राएं आपकी डबल लगती, दो मात्राएं हो जाती है। तो लोक लिखा है तो कपे क्या मात्रा है दो कर दो, तो लोक काय बन गया। अब उसके बाद जो होना बचा, क्योंकि ये संधि हो ही गई है तो उसको और जोड़ दीजिए, क्या बन गया लोक धन एसना बराबर क्या हो जाएगा आपका लोकेशना हो जाएगा। ऐसे ही अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटे आ के बाद आय वाला, जब छोटे आ के बाद आय वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने कह दिया आपको कि मत धन एक, हमने क्या किया मत धन एक। दूसरी कंडीशन देख लें,
वाली तो मत, और धन क्या है? एक है। हमने मत धन एक जैसे ही कहा तो मैंने निकाला प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकाला, क्या निकला आपका? छोटा आ निकला। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण निकला, क्या निकला? आय निकला। संधि कर दी दोनों में, संधि का नियम क्या है? संधि करोगे तो रूप क्या बन जाएगा? आय का। मैंने रूप बना लिया आय, चाहे ए मिले चाहे क्या मिले, आय मिले। लेकिन जो संधि के बाद रूप बनेगा वो क्या बनेगा? आय ही बनेगा। इसकी मात्राएं दो होती है, संधि हो गई इसकी डबल मात्रा इस पे आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? मत है, मत है, और क्या हो गया? के हो गया, मत है बन गया। अब कंडीशन आती है बड़े आ के बाद ए वाले, तो बड़े आ के बाद ए वाले जब कंडीशन करोगे आप तो उसमें क्या करना है? इसका भी एग्जांपल देखिए। बड़े आ के बाद ए वाला हमने कह दिया यथा धन ए, हमने बोल दिया यथा धन ए, देख लीजिए यथा धन क्या है? एव है। अब मैंने यथा धन एव जैसे ही बोला तो मैंने देखा यथा का मैंने क्या निकाल लिया? बड़ा आ निकाल लिया, और एव का मैंने क्या निकाल लिया? ए निकाल लिया। दोनों में जब संधि की तो क्या बन गया? आय बन गया, और आय की मात्रा इस पे चली जाएगी। तो देखिए अब यहाँ था हा, लेकिन आ निकल चुका है, रूप जो बना उसके बाद की बात आती है। तो आय है तो यह अब था पे क्या करें? था नहीं लिखना है हमें, क्या लिखना है? था लिखना है, क्योंकि मात्रा में करनी है यथ है, और ये संधि हो गई। वाह बच्चा, मैंने वाह को जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया आपका? यथ है बन गया। ये कंडीशन हो गई आपकी बड़े आ के बाद ए वाली। अब कंडीशन देखते हैं बड़े आ के बाद ए वाली। जब बड़े आ के बाद ए वाली कंडीशन देखिए, महाधन ऐश्वर क्या है? महाधन ऐश्वर, महाधन क्या है? ऐश्वर है। अब महाधन ऐश्वर जैसे मैंने कह दिया तो इसमें देखो कंडीशन निकाल लीजिए वही अपनी, कि इसमें क्या निकला आपका? बड़ा आ निकलिया, आय निकला। तो कंडीशन लागू कौन सी? बड़े आ के बाद आय, रूप क्या बनेगा? हमेशा हमारा आय बनता, नियम कहता है हमारा ये। अब इसकी मात्रा इस पे जब ले आओगे तो हा में तो आ निकली गया है, तो हा से मतलब मात्रा से मतलब नहीं है, मां और हा वर्ड है, इस पे मात्रा क्या कर लेंगे? हम आय कर लेंगे, और ये संधि हो गई, जो बचा उसको जोड़ दीजिए आप, अपने आप बन जाएगा महेश्वर। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बाद जब AI आता है तो क्या बनता है? आय बनता है। चार कंडीशन थी, चार कंडीशन के आपके एग्जांपल एक एक हो गए। अब हम बात करते हैं आ के बाद हो, ध्यान रखना अभी क्या चल रही है आपकी? वृद्ध संधि ही चल रही है। क्या चल रही है आपकी? वृद्ध संधि है अभी, ठीक। चलो अब आ के बाद हम ओ वाली कंडीशन देखते हैं। जब आ के बाद हम ओ वाली कंडीशन करेंगे तो इसमें भी आपकी चार कंडीशन बन जाएंगी। देखिए कैसे बनती है चार कंडीशन। छोटे अ के बाद क्या आ सकता है? ओ आ सकता है। लेकिन जब भी हम इसी संधि करेंगे तो रूप हमारा क्या बन जाएगा? नियम के अनुसार आओ, क्योंकि इसमें वृद्ध होना एक मात्रा बननी है। हो सकता है छोटे आ के बाद क्या आ जाए आपका? आओ आ जाए। अब छोटे आ के बाद जब आओ आया तब भी कंडीशन के अनुसार क्या, नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। हो सकता है कि बड़े आ के बाद क्या आ जाए आपका? ओ आ जाए, तब भी आपकी नियम वही नियम शुरुआत करेंगे, उसी नियम को लागू करेंगे तो क्या बन जाएगा आपको? आओ बन जाएगा। हो सकता है कि बड़े आ के बाद क्या आ जाए? आओ आ जाए। वो आ गया तो अब आओ आ गया, नियम के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? आओ हो जाएगा। ये चार कंडीशनें बनती हैं। अब चारों के आप एक एक एग्जांपल देख लीजिएगा। आप देखिए चारों के एग्जाम्पल मुझे समझ में आ गया होगा कि संधि क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं छोटा आ और ओ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। छोटा आ और ओ वाला जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो देख लीजिए, हमने कहा परम धन ओज, मैंने बोल दिया परम धन ओज, परम धन ओज। देखिए परम धन क्या है? ओज। अब परम धन ओज जब जैसे ही करोगे तो परम का अंत में क्या निकला? छोटा आ निकलेगा, शामिल है इसमें छोटा आ। इसका मैंने स्वर निकाला तो क्या निकला? ओ। चूंकि स्वर संधि पढ़ते दोनों स्वर निकला है, संधि कर दी, नियम के अनुसार क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। मेरा जब आओ हो गया तो हम क्या करेंगे? इसके जो आओ की मात्रा किस पे जाएगी? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे। तो हम क्या करेंगे? प और मा पे हम आओ की मात्रा लगा देंगे, और जो बचा उसको हम जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा शब्द निकल के आएगा परम आओ निकल के आएगा। अब बात करते हैं हम किसकी? अके बाद आओ वाले। अब अके बाद जब आओ वाले हम बात करते हैं तो इसमें देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आके बाद आओ वाली जब बात करोगे तो इसमें आया अत्यंत धन आवदा है। हमने आपको बोल दिया एग्जाम्पल अत्यंत धन आवदार है, क्योंकि ये भी एक संदिप्त शब्द है।
अति धन अंत बराबर अत्यंत बन जाए, जो आपका एड़ संयुग चला जाएगा। बाद में चर्चा करेंगे। अब पूरा शब्द मन ले लिया, अत्यंत धन औदार ले लिया, तो अत्यंत का मैंने जो स्वर निकाला तो छोटा अ निकला, औदार का मैंने निकाला तो क्या निकला अ निकला, और दोनों ने संधि की तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा अ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसकी मात्रा किस पे तापे आ जाएगी, प्रथम शब्द के अंतिम बल पे ले आएंगे। तो अत्यंत शब्द हम ऐसे ही लिख लेते हैं, अत्यंत क्या लिख लिया मैंने, अत्यंत लिख लिया, क्योंकि मात्रा लानी संधि के बाद। ठीक, अब क्या दार है और बचा है, तो देखिए दार कर दीजिए, तो शब्द निकल के आया अत्यंत दार, अत्यंत दार। ठीक, अब बात कहां कहीं हो गई हमारे छोटे आ के बाद औ की बात हो गई, अब हम देखते हैं बड़े आ के बाद ओ वाली कंडीशन देखते हैं। अब बड़े आ के बाद अ वाली जब कंडीशन देखेंगे हम, तो देखो उसमें कैसे बन जाएगा, महाधन ओज, बड़े आकर ओ वाली है तो महाधन ओज, महाधन क्या कर देंगे हम, ओज कर देंगे। अब महाधन हमने ओज जैसे ही कहा, तो महाधन ओज कहा तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो बड़ा आ हो जाएगा और इसका क्या निकल आएगा, आपका ओ निकल आएगा। जब दोनों में संधि करोगे तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा आओ। अब ये संधि हो ही गई है तो इसकी मात्रा किसके इस पे ले आएंगे, हा पे, तो म हाओ और क्या बचा ज बचा, म हाओ ज, इस तरह से आपका माहौल बन जाए। अब कंडीशन रहेगी आपके बड़े आ के बाद अव वाले, जब बड़े आ के बाद अव की देख लीजिए, हमने कहा महाधन अवदार है, महाधन अवदार, तो महाधन अवदार का देख लिए महाधन अवदार। अब महाधन अवदार कहा जैसे ही वैसे ही हमने इसमें क्या किया, बड़ा आ निकाला, इसका क्या निकाला मैंने औ निकाल लिया, दोनों में संधि की तुम्हारा औ हो गया, ये संधि इधर हो ही गई, तो मां और हा पे डबल मात्रा कर दी मैंने और दार ऐसे करके जोड़ दिया, शब्द निकल के आ गया महोदार। बात समझ में आ गई होगी आपके, तो ये कंडीशन, ये तो बात थी आपकी ब्रत संधि की। अब हम चर्चा करते हैं एड़ संधि की, एड़ संधि देख लीजिए, एड़ संधि में देखिए एड़ संधि। अब एड़ संधि में क्या चलते हैं, भिन्न स्वर चलते हैं, क्या चलते हैं भिन्न स्वर चलते हैं, किस किस के बाद आते हैं भिन्न स्वर वो भी आप देख लें। चलिए मैं देखता हूं, हमने क्या किया, अब यहां चलेंगे आपके भिन्न स्वर, ए है और ए के बाद क्या आएगा आपका भिन्न स्वर, क्या आएगा भिन्न स्वर आएगा और आ जाएगा आपका ओ, और उनके बाद भी क्या आता है भिन्न स्वर आता है, उसके बाद आती है आपकी रे, रे के बाद भी क्या आता है आपका भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है। ठीक, हमने देखा ए के बाद भिन्न स्वर, ऊ के बाद भिन्न स्वर और रे के बाद भिन्न स्वर। ठीक है, तो अब यहां पे भिन्न स्वर के बाद आता है तो नियम क्या बन जाता है, इसका क्या हो जाता है ए बन जाता है, इसका व बन जाता है, इसका आधा क्या हो जाता है र हो जाता है, ये कंडीशन है आपकी। तो भिन्न स्वर समझ लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ग अगर इनमें से कोई है, अगर मान लो ई है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ग, छोटी ई है बड़ा ई है, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ग भिन्न स्वर का, मतलब यहाँ ये है कि केवल ई के बाद मान लो ई छोड़ दो, ई के बाद ई नहीं आएगी इसमें, ई के बाद यहाँ पे ई नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ई के बाद मान लो ई आ भी गया तो नियम क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि बड़ी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ई के बाद ई को छोड़ के क्या सकते हैं हम, ई को छोड़कर यहाँ कोई भी अगर स्वर आता है द्वितीय शब्द के पहले वर्ग के रूप में जो आएगा उसका नाम होगा भिन्न स्वर, ई के बाद अगर ई आएगा तो ये भिन्न स्वर नहीं होगा, भिन्न स्वर क्या, अगर मान लो छोटा आ जाए, छोटी ई आ जाए, बड़ा आ जाए, सॉरी तो आ नहीं सकती है, छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा उ आ जाए, बड़ा उ आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, उ आ जाए और औ आ जाएगा, क्या जाए आओ, ये कोई भी आ जाए तो ये जितने माने जाएंगे वो के लिए क्या माने जाएंगे, भिन्न स्वर माने जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो यही है कि जब ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है ए हो जाता है, और जौन सा भिन्न स्वर आएगा उसकी यह पे क्या लग जाती है मात्रा हो जाती है। मान लीजिए अगर द्वितीय शब्द के पहले वर्ग के रूप में छोटा आ गया तो ए रहेगा, बड़ा आ गया तो आ, यहाँ पे डंडा लगा देंगे मात्रा लग जाएगी उसकी,
और उसके छोटा हुआ गया तो इस तरह से बन जाएगा रूट, बड़ा हुआ गया तो इस तरह बन जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जौन सा धनुसर आता उसके यहाँ पे क्या लग जाती है, मात्रा। दो बातें हो गई इसमें, एक बात क्या हुई कि एक बात जब धनुसर आता है तो यह हो जाता है, दूसरी बात ये हो जाती है जौन सा स्वर आता है उसकी क्या लग जाती है, यह पे मात्रा लग जाती है, और तीसरी बात ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसकी पहचान है ये कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। अब तो कैसे आधा हो जाता है, कैसे नहीं है, ऐसी ये कंडीशन इस पे लागू होती है। इसका वह हो जाता है विनुसर का मतलब यहाँ क्या क्या नहीं आया, केवल नहीं, वो नहीं आएगा, यहाँ ई आएगी, क्या आएगी अब ये, और ऊपर वाले ये नहीं आएगा यहाँ पे, और ये सब कुछ आ जाएंगे, ई शायद सब आ जाएंगे, लेकिन यहाँ वो नहीं आएगा। तो क्यों आता है, दीर्घ संधि में पहुंच जाते हैं भाई, दीर्घ हो जाएगी, बड़ा वो बन जाएगा जाके। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ई के लिए यहाँ क्या है, वो भिन्न स्वर है, उनके लिए क्या है, मित्र स्वर है। चलिए आगे एग्जाम्पल आप कराते हैं, समझ लीजिए इसको। बात कंडीशन की है पहली, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक एक कराएंगे। तो पहले कहते हैं भिन्न स्वर की जब बात आती है, भिन्न स्वर देख लीजिए, हम देखते हैं एक के बाद अ देखते हैं, हमने कह दिया अत्य धन अंत, अत्य धन अंत कह दिया। चलिए अब मैंने अत्य धन अंत जैसे ही कहा तो मैंने देखा इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का जो स्वर है वो हमारा क्या है, छोटी ई है। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण हमारा वो क्या है, छोटा आ है। तो मैंने ये देखा कि छोटी ई आ गया मेरा, उसके बाद क्या है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण विनुसर होगा, तो विनुसर में क्या आ गया, छोटा आ, क्योंकि छोटा स्वा तो ए रहेगा केवल। दो बातें हो गई, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ होता तो हम ए कर देते, क्योंकि यहाँ छोटा आ है तो ए रहेगा केवल। अब ए जो रह गया, अब हमने क्या किया, संधि कर दी। मान लो जो संधि कर दी, नियम यही तो कहता है कि दो वर्णों के मेल होने से संधि करवाता क्या है, कि दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता था, जो ध्वनि परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हमने इसमें संधि कर दी। अब इसमें जब संधि की हमने, तो क्या देखा हमने कि अति धन अंत ए और अ मिला तो ए हो गया, और तीसरी बात, अब कंडीशन लागू करो इसमें कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, आधा। तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है तय है, इसको आधा कर लीजिए, संधि के बाद जो रूप बना उसको जोड़ दीजिए, और ये संधि हो गई है, अब जो बचा है उसको जोड़ दीजिए, शब्द निकल के आ गया अति। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे आपके, हम एक एग्जांपल और कराते हैं, छोटे आ की बात है केवल है। अब हम देखते हैं आ देखते हैं, छोटी के बाद आ वाला एग्जाम्पल मिल जाता है। देखो हम देखते हैं अत्य धन आरस्य, अत्य धन है आपका आवश्य। चलिए अति का मैंने क्या निकाल लिया, छोटी ई निकाल लिया, आवश्यक का मैंने क्या निकाल लिया, बड़ा। दोनों में संधि की, तो अब देखो क्या हो जाता है, ए हो जाता, पहली बात है ए हो गया, लेकिन जोन सा स्वर कौन सा आया है, बड़ा आया है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ए आ हो जाएगा। अब तीसरी बार लागू करके संधि कर दो, और इसको आधा कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, अत्या बन गया, ये संधि हो गई, और उसके बाद जो बचा उसको जोड़ दिया, इस तरह से बन गया अत्यावश्य। बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे और देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल, हमने कहा नदी धन आगम, हमने कहा नदी धन आगम, नदी धन क्या कर दिया मैंने, आगम बोल दिया, क्या बोल दिया, नदी धन आगम बोल दिया। अब नदी धन आगम जैसे मैंने बोल दिया, तो मैंने देखा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो स्वर है हमारा क्या निकलाया, बड़ी ई निकलाया, निकलाया। द्वितीय शब्द का पहला भिन्न स्वर के रूप में क्या आ गया मेरा, बड़ा आ गया। तो नियम होता है कि ई के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, जो सा भिन्न स्वर आता है उसकी क्या रह जाती है, मात्रा रह जाती है। अब संधि करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हम क्या कर देते हैं, आधा, तो न तो आ गया दा को हम आधा कर देंगे, हलंत लगा दिया, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, आधा बोला जाता है। नदी और ये संधि हो गई, जो चाहे या बच गया या को जोड़ दो, आधा कर दिया और संधि के बाद जो रूप बना उसको या को जोड़ दिया, नद्या और ये गम और बच्चा गम को और जोड़ दीजिए, क्या बन गया, नद्या गम बोल गया। तो ये आपके क्या है, इसका बन गया। ऐसे ही और भी चीजें हो जाती है, तो मान लो एक ए वाला और देख लें हम, इसमें प्रसिद्ध है बहुत, ज्यादातर आता है भाई, पूछ भी लिया जाता परीक्षाओं में, जैसे प्रत्य धन एक, प्रत्य और धन क्या है, एक है, तो प्रत्य का मैंने क्या निकाल लिया, छोटा ही निकाल लिया, एक का मैंने ए निकाल लिया, दोनों संधि की, तुम्हारा ए हो जाता, नियम के अनुसार क्या हो जाता, ए हो जाता, हो गया। अब लेकिन जौन सा भिन्न स्वर हुआ उसकी मात्रा लग गई, अब हम संधि करेंगे,
संधि करते, इसको आधा कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे, तत्तीय बन गया, और ये संधि कर तो क्या बचा, क तो शब्द क्या बन गया। ऐसे ही वाह वाली कंडीशन देखो, वाह वाली कंडीशन क्या हुए कि जब ओ के बाद अनुस्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, ओवा हो जाता है। तो देख लीजिए अब यहाँ क्या नहीं आएगा, केवल ऊ नहीं आएगा और ई आएगा, आ आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, रि भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन केवल क्या नहीं आएगा अनुस्वर में, ऊ नहीं होता है। तो देख लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऊ के बाद जब अनुस्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, ओवा हो जाता है। जब ओवा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ सबसे पहले छोटा ऊ के बाद भिन्न स्वर वाली कोई बात करते हैं। तो देखिए एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्या है, छोटे ऊ के बाद ओ वाली बात देख लीजिए। अब छोटा ऊ जब भी आपका आएगा उसके जैसे मान लो शोधन अस्त, हमने कह दिया शोधन क्या है, अस्त है, अस्त। तो देख लीजिए सु का हमने क्या निकाल लिया, छोटा ऊ निकाल लिया, अस्त का मैंने क्या निकाल लिया, छोटा आ। नियम ये है उनके बाद जब भी मनुष्य आता है तो मनुष्य छोटा आ आया तो को रहेगा हमारा, ठीक है। अब मात्रा इसलिए नहीं लगा रहे इस पे क्योंकि छोटा आ आया, छोटे आ की मात्रा होती नहीं, तुमने वो कर लिया केवल, अब क्या है इसको आधा कर देंगे, दुनिया में हमारा आ कर लिया ओ जोड़ लिया, ये संधि होगी जो बचा उसको जोड़ दिया तो क्या बनेगा, स्वस्थ बन गया, क्या बन गया, स्वस्थ बन गया, स्वस्थ। अब ऐसे आगे देख लीजिए और एग्जांपल देखें इसके, हमने मान लीजिए छोटे आ के बाद छोटे ऊ के बाद हमने अच्छा बड़ा ऊ देख लिया, बड़ा ऊ के बाद मैंने क्या कर लिया, आ कर लिया, बधु धन अर्थ, बधु धन क्या है, अर्थ है। अब बधु धन अर्थ जैसे ही मैंने कह दिया तो देखो बधु धन अर्थ करोगे तो यहाँ क्या निकलाया आपका, बड़ा ऊ निकलाया, यहाँ पे छोटा अ निकलाया, संधि जब की तो क्या हो गया, वह हो गया, धा आधा हो जाएगा, धरा आधा कर दिया ओ जोड़ लिया और ये संधि हो ही गई और मैं बद्ध अर्थ कर दिया। ऐसे इसमें आता है एक अनुधन ए सर, ओके बाद ए वाला देख लो एग्जांपल, अनुधन ए सर, तो देख लीजिए अनुधन ए सर क्या है, अनुधन क्या है ए सर देख लीजिए। अब अनुधन ए सर जैसे ही मैंने क्या तो क्या निकला, छोटा ऊ निकलिया, यहाँ भिन्न स्वर में क्या निकलिया, ए निकलिया। नियम क्या होता है कि ऊ के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो ओ हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है जो अंतर स्वर आता उसकी मात्रा लग जाती है, ए आया लगा दिया, प्रथम शब्द का अंतिम बल हम क्या कर देंगे, आधा संधि करते समय कर लिया मैंने आधा और बे जोड़ लिया, उसके बाद क्या कर दिया, हो गया बात, क्लियर हो गई, हो गई। एग्जांपल बहुत सारे हैं। अब रे के बाद भिन्न स्वर देखिए, रे के बाद भिन्न स्वर, अब रे के बाद जब भिन्न स्वर देखेंगे तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने कहा मात्र धन इच्छा, मात्र धन क्या है, इच्छा है। तो मात्र का मैंने निकाल लिया, क्या निकला हमारा, रे निकला, भिन्न स्वर में छोटा ही, तो इसका क्या आधा र हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है। लेकिन यहां क्या निकला है, आधा रा मैंने मान लो कर लिया, आधा रा कर लिया मैंने। अब बात ये आधा रित में करना है और उसके बाद भिन्न स्वर की मात्रा भी लगनी है, नियम के अनुसार क्या है कि कौन सा भिन्न स्वर की मात्रा लगती है, आधे रते मात्रा भी लगनी है, आधा रवि होना है। तो अब देखो स्वरूप क्या बन जाता है, यहां पे आपका रूप बन जाएगा मां, तो बन ही गया, ठीक है, आधा र, ठीक है। अब मात्रा भी लगनी है छोटी की, मात्र 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 इच्छा बन जाएगा, मात्र धन इच्छा बराबर क्या बन गया, मात्र इच्छा बन गया आपका, ठीक है। हमने कहा पितृधन उपदेश, हमने क्या किया पितृधन उपदेश, देखिए एग्जाम्पल पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश कर दिया तो त्र का मैंने क्या रे की मात्रा मानी जाती है, धनु स्वर में क्या आएगा छोटा ऊ आ सकता है तो क्या हो जाएगा आधा रवि होगा और इसमें मात्रा भी लगनी है। तो देखो पे तो हो गया आधा र और मात्रा छोटे ऊ की, पितृपदेश, पितृधन उपदेश बराबर क्या बन गया, पितृपदेश बन गया। तो इस तरह क्लियर हो गई ये चीज। अब इसके बाद आती है बात किसकी, आयास संधि की। चलिए अब आयास संधि की बात करते हैं,
ऐसे ही यहाँ संधि अपना, क्योंकि ए के बाद भिन्न स्वर हो गया, उ के बाद भिन्न स्वर हो गया, रे के बाद भिन्न स्वर हो गया, अब किसके बाद भिन्न स्वर बचा है, ए और ओ के बाद बचा है। तो आप देख लीजिए ए और ओ के बाद भिन्न स्वर कैसे निकाल लेते हैं। अब बात आती है अयाद संधि की, अयाद संधि की बात आती है। तो अयाद संधि देख लीजिए, जो अयाद संधि की बात आई तो सीधी सी बात है क्या बचा हमारा, ए के बाद क्या बचा है, भिन्न स्वर, ठीक है, ए आए क्या आएगा, भिन्न स्वर, ओ प्लस भिन्न स्वर, तो उसके बाद आओ प्लस भिन्न स्वर। नियम ये कहता है जब ए के बाद भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है, आए, आए के बाद आता है तो क्या हो जाता है, आए, ऊ के बाद आता है तो क्या हो जाता है, अब, औ के बाद आ जाता है तो हो जाता है मेरा आ। बस इतनी सी बात समझ में, कंडीशन जो यह संधि में थी वो यहाँ भी है, लेकिन एक कंडीशन बदल जाएगी यहाँ पे कि वहां प्रथम संधि करते थे, प्रथम शब्द का अंत बल हम क्या कह सकते थे, आधा कर देते थे, लेकिन यहाँ आधा नहीं होगा, यहाँ क्यों क्या है, स्वर शामिल लगा है, तो प्रथम शब्द के अंतिम बड़े साथ स्वर जब आ जाएगा स्वर पूरा रहेगा तुम्हारा, फिर आधा हम उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वर रहित जब होता है तब आधा माना जाता है, ठीक है। इसलिए अब मात्रा की बात है, भिन्न स्वर में कौन सा जो भिन्न स्वर आएगा, अब भिन्न स्वर में क्या आएगा, छोटा आ सकता है, एक के बाद ये नहीं आएगा, उसके बाद जो भी स्वर बचे वो क्या माने जाएंगे इसके लिए, भिन्न स्वर, चर्चा पीछे कर चुके हैं, समझा भी चुके हैं, ऐसे ही आएगा इस पे, ठीक है। चलिए हम सीधे सीधे अब एग्जांपल से तुम्हें जोड़ते हैं। अब यहां से एग्जांपल दे लिया, मैंने कह दिया ने धन अन जो है, हमने देखा ने का हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, अन का हमने क्या निकाल लिया, छोटा अ निकाल लिया, तो ए के बाद क्या हो गया आपका, भिन्न स्वर हो गया। जब ये भिन्न स्वर हो गया तो नियम हमारा ये कहता है क्या बन जाता है, आय बन जाता है, क्या बन जाता है, आय। अब आय जैसे ही बना उसके बाद जब हमने संधि की, जब संधि में क्या होता था कि जब जो संधि के बाद जब जोड़ते थे संधि करते थे क्या था, प्रथम शब्द का अंतिम बार आधा कर देते, यहाँ आधा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्वर स्वर इसमें शामिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, केवल न रह जाएगा, और हमें ए से मतलब नहीं है क्यों, ए हमारा निकल चुका है, ए की भाई संधि हो चुकी है यहाँ पे, तो अब अ जुड़ा गया तो न हो गया, उसके बाद क्या होता है, और इसकी संधि हो गई है तो क्या बना आपका, नयन हो गया, क्या हो गया, नयन हो गया। ऐसे ही हमने कहा मयन मदन मेरन अन, तो इसका मैंने ए निकाल लिया, इसका क्या निकला, छोटा अ, उसके क्या हो जाएगा आपका आय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मदन मेरन अन बराबर क्या हो जाएगा, मयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मयन। ये तो बात इसके लिए ए वाली। अब देख लीजिए एक आय वाले, एक एग्जाम्पल देख लें आय वाला देखिए कैसे बनता है, मतलब आय के बाद और तो क्या हो जाए, आय हो जाए। जैसे हमने कहा नय धन अक, नय धन क्या हो गया, अक, नय का हमने आय निकाल लिया और इसका क्या निकाल लिया, छोटा अ निकाल लिया, तो दोनों संधि की तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, मेरा आय हो जाएगा, हो गया मेरा आय। और जब आय हो गया तो हमने क्या किया कि तुरंत जो है इसको इसके साथ ले जाए, तुम्हारा क्या बन गया, ना बन गया और ए रह गया, और क्या बन गया, नायक बन गया। ऐसे ही गाय धन अक बराबर क्या हो जाता है, गायक हो जाता है, उनका भिन्न स्वर में आ रहा छोटा ई लेके दिखते हैं, हमने क्या नए धन क्या कर दें, इका कर दें, ठीक है, और नए धन इका किया तो यहां मैंने क्या निकाल लिया, आय निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया, भिन्न स्वर छोटे ई निकाल लिया, दोनों में संधि की तो क्या बन जाएगा, मेरा आय हो जाता है। नियम तो क्या कहता है, आय हो जाता है, आय हमने निकाल लिया, लेकिन एक कंडीशन और समझनी है, यहाँ पे भिन्न स्वर में क्या आया, छोटी ई आया, यहाँ तो आय इसलिए आता कि छोटा आ आया था केवल, छोटी आया तो इसकी मात्रा अब कहाँ बन जाएगी, यहाँ लग जाएगी, तो जो आ है वो इसके साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ना, और यहाँ पे छोटी की मात्रा और ये संधि हो गई है तो क्या बन जाएगा आपका, नाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, ओ के बाद भिन्न स्वर अ आ जाता है, तो देखो हमने कहा पो धन क्या कर दें, अन कर दें, क्या कह दिया, पो धन मैंने अन बोल लिया, तो मैंने पो का मैंने क्या निकाल लिया, ओ निकाल लिया, और अन का मैंने क्या निकाल लिया, छोटा आ निकाल लिया, दोनों में मैंने संधि रखी, तो नियम हमारा ये कहता है ओ के बाद जब भी भिन्न स्वर आता तो क्या हो जाता है, अब हो जाता, मैंने क्या कर लिया, अब हो गया, मैंने संधि की तो क्या किया, अको इसके साथ ले आए तो पवना वहा बचा पव, और ये संधि हो गई, क्या बचा, पवन बचा, यानी ओ पो धन अन बराबर क्या हो गया, पवन हो गया। ऐसे ही मान लो हम कह दें
पावन कह दें, पवन भी हम क्या कहें, पावन कह दें। अब देखो हमने क्या कह दिया, पाव और धन क्या कर दिया मैंने, अन कर दिया। यहां पे ओ था, यहां क्या कर दिया मैंने, आओ कर दिया। ठीक है, यहां से मैंने क्या निकाला, आओ निकाल लिया। अब अंतर पड़ गया, यहां छोटा बन सा छोटा आ, संधि जैसे ही कि हमारा क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ। वो आओ के बाद बिन स्वर आता तो आ बन जाता है, आ बन गया। अब इस स्वर को हम इसके साथ ले आए तो पा हो जाएगा, वाह बच्चा वाह को जोड़ लीजिए और ये संधि हो गई, क्या बना, पावन हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल आप मतलब अके बार और देख लीजिए, हमने ये कह दिया पो धन इत्र, इत्र कह दिया। अब पो धन इत्र जैसे ही मैंने कहा तो पो का मैंने क्या निकाल लिया, ओ निकाल लिया, इत्र का मैंने क्या निकाल लिया, छोटा है। जब संधि की तो नियम के अनुसार क्या है कि ओ के बाद जब भी, ओ के बाद जब भी विनुसर आता तो अब हो जाता है, मैंने क्या कर लिया, अब। अब यहाँ एक कमी रह गई, कमी क्या रह गई, भिन्न स्वर में छोटी ई आया, बस की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, लग गई। अब इसको संधि करो, इसको इसके साथ ले जाए, पर रह जाएगा केवल और बे, और ये संधि होगी, क्या बचा, त्र और बचा, क्या बन गया। इस तरह से हमने देखा कि ए के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो आय हो जाता है, ए के बाद आता है तो आय हो जाता है, ओ के बाद अब हो जाता है, औ के बाद आ हो जाता है। हजारों एग्जाम्पल होते हैं इस वीडियो में, हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।